The videos captured during the robberies and uploaded to social media are the work of Ariel Summers and Dean Fuller. Hi. My name is Ariel. And for as long as I can remember, I knew I was going to be famous. Such a small town. Need to get out of Florida. Maybe somebody will want to come with you. You like green. You're in luck. Open the gate! Let's go! We about to beat ya? Oh, that's exciting. इन फेमस मूवी के स्टार्ट में ब्लड स्टेन्ड मनी जमीन पर गिरी होती है और एक आदमी चेयर पर डेड होता है। एक तरफ बैठी लड़की जिसके चेहरे पर खून लगा होता है एक वीडियो कॉल पर बात करती है कि मैं किस्मत पर यकीन करती हूँ। सवाल ये है क्या ये मेरी किस्मत है जिसके लिए मैं लड़ी। इतनी देर में पुलिस आ जाती है और इसको गन पॉइंट करती है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरा नाम एरियल है और अब मैं मशहूर होने जा रही हूँ। फिर दिखाया जाता है कि वो अपनी मदर के घर जाती है और फिर क्लब में। जब वो क्लब में जाती है तो वहाँ एक लड़की से इसकी फाइट हो जाती है और वहाँ सब इसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। वापसी पर वो अपना मोबाइल यूज करती है और देखती है कि इसकी वीडियो वायरल हो जाती है। एरियल अपने फॉलोअर्स और लाइक्स को चेक करती है और बहुत से कमेंट जैसे कि वर्ल्ड स्टार्ट फर्दी और इस तरह के और भी कमेंट्स होते हैं। अब एरियल के 147 फॉलोअर्स हो चुके होते हैं। फिर एरियल रास्ते से गुजरते हुए एक शॉप पर रुकती है जहाँ एक और करेक्टर जिसका नाम डीन होता है वो गाड़ी पर काम कर रहा होता है। इस तरह वो उससे बात करती है। एरियल उस लड़के को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा, तुम्हारा नाम क्या है। इस बार वो अपना नाम डीन बताता है। एरियल थोड़ी सी बात करके और अपना इंटरेस्ट शो करके सी यू कहकर चली जाती है। अब एरियल को एक होटल में ऑर्डर लेते हुए दिखाया जाता है। वो वहाँ वेट्रेस की तरह काम कर रही होती है। फिर एक तरफ जाकर पैसों को काउंट करती है। यहाँ ऐसा लगता है कि इसका मकसद बहुत सारे पैसों को इकट्ठा करना होता है। फिर वो घर जाकर अपने मनी बॉक्स खोलती है जहाँ पहले भी बहुत से पैसे रखे होते हैं। वो इन पैसों में करंट मनी को इंक्लूड कर देती है और वापस रख देती है मनी बॉक्स में। और ऐसा लगता है जैसे एरियल को पैसे से बहुत प्यार होता है। अब कुछ फ्रेंड्स कैफे में कन्वर्सेशन कर रही होती हैं। इनमें एरियल भी एक कस्टमर की तरह बैठी होती है और वहाँ उस लड़के डीन के बारे में बात होती है। उन फ्रेंड्स में से एक लड़की कहती है कि वो अपने बाप के साथ रहता है, शायद इसकी मदर नहीं है और वो प्रिजन में था। उसी जगह पर इसकी डीन से मुलाकात हो जाती है। एरियल उसे कहती है क्या तुम प्रिजन में थे, मैंने ये सुना है, और तुम क्यों थे। जिस पर डीन बताता है कि रॉबरी और अटैक करने की वजह से मैं प्रिजन में था। एरियल पूछती है क्या तुम किस्मत इत्तेफाक पर यकीन रखते हो, और तुम्हें पता है यहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्स है और इसे बहुत दूर जगह है जो इंसैनिटी से दूर है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि डीन और एरियल की दोस्ती हो चुकी होती है। अब डीन इसे गन चलाना सिखाता है और एरियल एक पॉइंट पर रखी चीजों को गन से हिट करती है और प्रैक्टिस करती रहती है और आखिरकार इसे गन चलाना आ जाता है। नाइट टाइम में एरियल दोबारा वेट्रेस की तरह यूनिफॉर्म पहने हुए होती है और वहीं इसकी अपनी फ्रेंड्स के साथ डीन के बारे में बात करती है और इनसे बहस हो जाती है। जब वो घर आकर बेड के नीचे अपना मनी बॉक्स निकालती है और देखती है कि इसकी सारी कलेक्टेड मनी चोरी हो चुकी होती है जिसे इसने एक एक पैनी करके जमा किया होता है। वो इधर उधर देखती है लेकिन नहीं ढूंढ पाती। फिर इसका दौर इसकी मदर के साथ जो पर्सन मेल होता है उस पर जाता है। वो उसके पास जाकर उसे थ्रेट देती है। वो बहुत डिप्रेस्ड और अपसेट होती है और रोने लग जाती है और इसी परेशानी में वो घर से बाहर चली जाती है। वो सीधा डीन के घर जाती है, दरवाजे को नॉक करती है लेकिन कोई नहीं खोलता। फिर वो बगैर परमिशन के अंदर चली जाती है। अब स्टेयर्स में से कुछ आवाजें आ रही होती हैं और वो वहाँ मूव करती है। वहाँ वो देखती है कि डीन का बाप इसे बुरे तरीके से मार रहा होता है। वो इसके फादर को रोकने की कोशिश करती है। एरियल कहती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन डीन का फादर इसे पुश करके जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर डीन को गुस्सा आ जाता है और इसके अपने फादर से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान डीन का फादर स्टेयर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दोनों जल्दी से डाउन स्टेयर्स आते हैं। डीन कहता है ये सिर्फ एक हादसा था और वो घबरा जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसकी डेथ हो गई है। एरियल कहती है कि तुम लीव कर रहे हो, बस तुम्हें कोई तलाश नहीं कर सकेगा। फिर इसके फादर को डेथ हालत में छोड़कर वो वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी ड्राइव करते हुए डीन एरियल से मनी का पूछता है लेकिन एरियल के पास कुछ नहीं होता, सब चोरी हो चुका होता है। डीन पूछता है कि मुझे कैश चाहिए, जिस पर एरियल कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है और उसे पूछती है क्या तुम गन लाए हो। फिर पास में ही एक शॉप होती है आइस कोल्ड बियर की। फिर दोनों एक प्लान करते हैं और रुमाल से अपने चेहरे को कवर कर लेते हैं। डीन गन लेकर अंदर चला जाता है जबकि एरियल पास ही खड़ी मोबाइल पर इसकी वीडियो बनाती है। डीन अंदर जाकर शॉपकीपर को थ्रेट करता है और उसको गन दिखाकर बैग में पैसे डालने का बोलता है।
रॉबरी करने के बाद दोनों गाड़ी में चले जाते हैं। एरियल की सारी वीडियो रॉबरी की बना चुकी होती है। गाड़ी में बैठकर एरियल खुशी से चिल्ला रही होती है और पैसों के साथ अपनी तस्वीरें बनाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरियल और डीन एक कैफे में बैठे हुए दिखाई देते हैं। एरियल इसको रॉबरी वाली पिक दिखाती है और कहती है कि मैंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है क्योंकि ये लोग देखना चाहते हैं। डीन हैरान और परेशान भी हो जाता है। फिर एरियल बताती है कि मुझे 3000 फॉलोअर्स मिल गए हैं और खुश हो जाती है। वो डीन को कमेंट्स भी दिखाती है और कहती है कि लोग इसे लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, लेकिन डीन कहता है तुम ऐसा कुछ पोस्ट एक्सपोज नहीं कर सकती। एरियल कहती है कि इस तरह की पोस्ट हमें मशहूर कर सकती है। इसके बाद डीन कंप्यूटर पर गन के बारे में मालूमात देख रहा होता है और ले रहा होता है और पिक्स भी देखता है ताकि वो वेपन को परचेज कर सके। अब वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां एक स्टोर शॉप होती है। ये एरियल और डीन का नेक्स्ट प्लान होता है। गाड़ी में दोनों वेट करते हैं, फिर डीन गन एरियल को दे देता है और कहता है कि रॉबरी तुम करोगी। अब वीडियो बनाना डीन का प्लान होता है। जाते जाते एरियल कहती है कि मैं नर्वस हो रही हूँ। एरियल एक शॉप में एंटर हो जाती है और आदमी को गन दिखा देती है और इसके हैंड सब बोलती है। वो आदमी सेफ खोलता है और बहुत सी मनी निकाल देता है। वो दोनों वहाँ से रॉबरी करके चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डीन से एक पिस्टल लेती है एरियल और बहुत ज्यादा पिक्स बना लेती है अपने मोबाइल में और बहुत ज्यादा रिलैक्स मूड में भी ये बहुत सारी रॉबरीज करने लग जाते हैं और रेगुलरली वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। ये डाटा एरियल सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है और आखिरकार इसके 3,57,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट रॉबरी में दोनों भेस बदल कर रॉबरी करते हैं और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। अब इनके फॉलोअर्स की तादाद 9,81,026 हो जाती है। एरियल का मकसद फेमस होना होता है और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना होता है। इस तरह न्यूज चैनल्स पे भी न्यूज चलने लग जाती है, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज आती है कि रॉबरी सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इन दोनों के नाम बताए जाते हैं एरियल और डीन। डीन सही फील नहीं करता कि इनकी पिक्स और रॉबरी की न्यूज को न्यूज चैनल्स पर दिखा दिया गया है। डीन एरियल को कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या तुम इन क्राइम्स की वजह से फेमस होना चाहती हो। तो डीन गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाता है गुस्से में, जिससे एक पुलिस ऑफिसर इसका अपनी कार में पीछा शुरू कर देता है। एरियल डीन को गाड़ी को स्पीड अप करने का कहती है, लेकिन डीन नो कहता है और गाड़ी को रोक देता है। ऑफिसर गाड़ी के पास आता है और कहता है कि तुम जानते हो तुम कितना तेज जा रहे हो। इस पर एरियल कहती है हंसते हुए कि एक्चुअली ये मेरी गलती है, मैं फास्ट जाना पसंद करती हूँ। ऑफिसर इनको गाड़ी में रुकने का कहकर चल जाता है। एरियल क्या कहती है क्या इसने हमें पहचान लिया है। डीन परेशान नजर आता है। आखिरकार एरियल गाड़ी से उतर जाती है। डीन इसे वेट करने का कहता है। बाहर निकल कर एरियल ऑफिसर से बात करती है। ऑफिसर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, उन्हें गाड़ी में बैठने का कहता है, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। ऑफिसर इन दोनों पर गन पॉइंट करके इनको नीचे बैठने का बोलता है। फिर डीन देखता है कि अचानक से ऑफिसर पर कोई फायरिंग करके इसका मर्डर कर देता है, तो पता चलता है कि एरियल ने गन चलाई होती है और खुद को ओके ओके बोल रही होती है। डीन डर जाता है। एरियल कहती है कि हमें जाना चाहिए। वो डीन डरा हुआ गाड़ी में बैठ जाता है और वो चले जाते हैं। ऑफिसर मर चुका होता है। अब एक और जगह दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी डिस्गाइज्ड एरियल जिसके सामने खड़ी होती है गन लेकर। वो आदमी और इसके इर्द गिर्द खड़े लोग इसकी वीडियोस बना रहे होते हैं। ये बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसको फेमस होने का शौक होता है, लेकिन बाद में पता चलता है ये कुछ सोच रही होती है उसी आदमी की शॉप पर खड़ी हुई और उसने गोल्डन हेयर को लगाया होता है। अब वो एक जगह जाती है जहाँ ऑलरेडी डीन होता है। यहाँ से पता चलता है कि उन्होंने खुद को एक जगह छुपाए रखा होता है क्योंकि पुलिस इनका पीछा कर रही होती है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रॉबरीज की होती हैं। अब वो जब वहाँ जाती है जहाँ डीन होता है, तो वहाँ एक पैसों का भरा हुआ बैग भी दिखाया जाता है जो कि इन दोनों ने रॉबरी से इकट्ठा किया होता है। ये दोनों एक जगह पर छुपे होते हैं पुलिस से और FBI से बच के। एरियल को सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है कि तुम लोग कहाँ हो, और ये देखती है कि इसके फॉलोअर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। डीन इसके फेम गन के खिलाफ होता है। अब एरियल परेशान हो जाती है क्योंकि इसके फॉलोअर्स कम हो गए होते हैं। वजह ये होती है कि क्योंकि ये सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड नहीं कर रही होती। ये सोचते हुए डीन को बताए बगैर शॉर्ट स्टॉप पर दोबारा एरियल चली जाती है और डिस्गाइज्ड होती है और अपना चेहरा कवर कर लेती है। साथ में इसके एक मोबाइल होता है ताकि वो अपनी रॉबरी की कवरेज कर सके। शॉप में एंटर होकर वो इस आदमी को गन दिखाकर पैसे देने का कहती है और हवा में फायर कर देती है। एक कस्टमर शॉप में एंटर होता है, वो इसको भी गोली मार देती है। वो शॉपकीपर इस एरियल को गिरा देता है और अपनी गन निकालकर इस पर फायर करता है। एरियल खुद को बचाती है, अब ये फंस चुकी होती है और ट्रैप्ड होती है। वो शॉपकीपर इस पर फायर करता है और गन शॉट इसके शोल्डर पर लग जाता है और खून बहने लगता है। वो जल्दी से भागती है घबराहट में और अपनी गाड़ी की तरफ जाती है क्योंकि इसके पकड़े जाने का खतरा होता है। फिर वो जल्दी से घर की तरफ जाती है और डीन को सब बता देती है बेचैनी में और तकलीफ में। वो जल्दी से अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ अब पुलिस कभी भी पहुँच सकती है और उनको अरेस्ट कर सकती थी। मनी बैग वो वहीं भूल जाते हैं। गाड़ी में एरियल बताती है कि गन शॉट की वजह से खून बहुत बह रहा है। इनके पीछे पुलिस कार्स आ जाती हैं। एरियल अपने वेपन से पुलिस पर फायरिंग करती है और डीन बाहर निकलकर इन पर फायर करता है और इन पर अटैक करता है। फिर एरियल डीन को कहती है कि वो पैसों वाला बैग कहाँ है
दोनों एक दूसरे को बैग का ब्लेम करने लगते हैं और अपसेट हो जाते हैं। फिर एक जगह रुककर डीन एरियल्स के शोल्डर से बुलेट को निकालता है और इस पर बैंडेज लगा देता है। इसके बाद डीन एक आदमी के घर जाता है जो इसे अंदर आकर बैठने का बोलता है। वहाँ एरियल बताती है इस आदमी को कि मेरे फॉलोअर्स मिलियन हो गए हैं। वो आदमी ड्रग ले रहा होता है, एक्चुअली वो गैंग लीडर होता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फेवर करो, इस जगह को और अपनी हर चीज को जो यहाँ है उसको अपने लिटिल इंस्टाग्राम से ऑफ रखना। फिर वो एरियल और डीन से बैंक रॉबरी की डील करता है। डीन इस डील के बारे में कहता है कि मैं इसे पसंद नहीं करता, तो एरियल कहती है कि हमारे पास बहुत पैसा होगा, इतना पैसा जो हमारे पास कभी नहीं हुआ। इसी तरह फिर वो बैंक रॉबरी की बात करते हैं। एरियल कहती है बिग स्कोर लेस रिस्क, लेकिन डीन कहता है कि हमने ये पहले कभी नहीं किया और ये बैंक्स मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन आखिरकार दोनों रॉबरी बैंक के लिए तैयार हो जाते हैं। रॉबरी के लिए जो बैंक होता है वो फर्स्ट कमर्शियल बैंक होता है। बैंक की इनसाइड अब दिखाई जाती है। वहाँ वही गैंग जिससे डीन और एरियल की डील हुई होती है हवा में फायरिंग शुरू कर देते हैं। एरियल और डीन दोनों अपना चेहरा नकाब से छुपाए हुए होते हैं और गन पकड़ कर आगे बढ़ते हैं। एरियल मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करती रहती है। लाइव व्यूज आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये लाइव सबको दिखा रही होती है। कमेंट्स भी आने लगते हैं। जैसे ही जैसे बैंक में OMG दे आर बैक व्यूज बढ़ते जाते हैं। एरियल के हाथ में मोबाइल होता है। गैंग लीडर की रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली हो रही होती है। मैनेजर से गैंग लीडर कीज मांगता है और इसे पंच मारता है। मैनेजर कीज दे देता है। सब कुछ रिकॉर्ड लोग लाइव देख रहे होते हैं। अब से सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके होते हैं। एरियल को सोशल मीडिया का क्रेज होता है और इसको अपने कमेंट्स मुसलसल आते रहते हैं। अचानक से गैंग लीडर मैनेजर पर फाइट करता है और उसको मार देता है। अब मैनेजर मर जाता है। ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है। गैंग लीडर सबको मूव करने का कहता है। ऐसा होता है कि जब इस गैंग लीडर का मेंबर बाहर जाता है तो वहाँ पुलिस कार्स होती हैं। उस मेंबर में और पुलिस में फायरिंग शुरू हो जाती है। गैंग लीडर चिल्लाता है कि ये क्या है। डीन बाहर डोर ओपन करके देखता है तो एक आदमी इनके गैंग का मर चुका होता है और पुलिस बाहर होती है। गैंग लीडर सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ है कि अचानक इसकी नज़र एरियल के मोबाइल पर पड़ती है। वो कहता है ये क्या है, जिस पर एरियल नथिंग कहती है। वो मोबाइल छीन लेता है और देख लेता है सब कुछ सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा होता है। वो अपनी गन को एरियल पर पॉइंट कर देता है, जबकि डीन अपनी गन को पॉइंट उस गैंग लीडर पर करता है और उस गैंग के मेंबर्स डीन को पॉइंट करते हैं। और इस तरह एरियल मौका देखकर उनके मेंबर्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और छुप जाती है। फिर एरियल को पता चलता है कि डीन को गोली लग गई है। जल्दी से एरियल डीन के पास जाती है जो मर रहा होता है। वो डीन को कहती है कि बाहर पुलिस है इसलिए हॉस्पिटल नहीं ले जा पाती और बहुत अपसेट हो जाती है और आखिरकार अपने दोस्त को खो देती है। वो अब डीन की डेथ हो चुकी होती है। अब दिखाया जाता है कि पैसे जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और ब्लड स्टेंड होते हैं और एरियल इसी तरह एक तरफ बैठी परेशान होती है मोबाइल हाथ में लिए हुए और कहती है कि मैं फेट यानी किस्मत पर यकीन रखती हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या ये मेरी डेस्टिनी है? क्या ये है जिसके लिए मैं लड़ी? अब ये वही सीन होता है जो फिल्म की ओपनिंग में दिखाया जाता है। यहाँ एरियल एक जगह पर बैठी मोबाइल देख रही होती है। इस तरह जब पुलिसमैन आकर इसे गन पॉइंट करते हैं, इसको अरेस्ट कर लेते हैं। इसका मोबाइल इसके हाथ से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और पुलिसमैन इस मोबाइल पर पांव रखकर आगे निकल जाते हैं। पुलिस एरियल को बैंक से बाहर ले जाती है। अब वो यहाँ एक हैरानगी की बात होती है। एरियल यहाँ देखती है कि बहुत ज्यादा नंबरिंग में यहाँ इसके फैंस इकट्ठे हुए होते हैं और इसका इंतजार कर रहे होते हैं। इन सब के हाथ में मोबाइल्स होते हैं और वो अपने हाथों को हिला रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं, जैसे वो एरियल से मिलना चाहते हों। ये सब एरियल को लाइक करने वाले होते हैं। इन्हें देखकर एरियल के चेहरे पर खुशी आ जाती है क्योंकि अब एरियल इन फेमस सोशल मीडिया स्टार बन चुकी होती है।